नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तरकाशी में सिलकरा टनल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल यानी मंगलवार को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। वहीं ऑपरेशन के सफल होने के बाद ही सीएम धामी ने बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी 41 मजदूरों को उत्तराखंड सरकार 1,00,000 रुपए की राहत राशि देगी। इसके साथ ही वे इन मजदूरों की कंपनियों से अनुरोध करेंगे कि इन्हें 15 से 30 दिन के लिए बिना सैलरी काटे छुट्टी भी दी जाए। साथ ही अब टनल के मुहाने पर बाबा बोकनाथ का मंदिर भी स्थापित किया जाएगा। वहीं सीएम ने अब राज्य में जितनी भी टनल निर्माणाधीन है उनकी समीक्षा किए जाने की भी बात कही है। हालांकि केंद्र सरकार और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इसके लिए पहले ही आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अब राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इन सभी टनलों की समीक्षा करेगी। साथ ही अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों को एक एक करके 800 मिमी के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया, जिन्हें मलबे में ड्रिल करके अंदर डालकर एक रास्ता बनाया गया था। वहीं जानकारी के लिए बता दें, चार धाम यात्रा मार्ग पर निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का 12 नवंबर को एक हिस्सा ढहने से उसमें फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे बचाव कर्मियों को 17वें दिन में ये सफलता मिली, जिसमें मजदूरों को निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। वहीं बाहर निकल रहे श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने अपने गले लगाया और उनसे बातचीत भी की। बता दें, बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी उन्होंने सराहना की। साथ ही मजदूरों को बाहर निकाले जाने के बाद सुरंग के बाहर खड़े एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिलक्यारा से 30 किलोमीटर दूर चिन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि श्रमिकों और उनके परिजनों के चेहरे की खुशी ही उनकी इगास और बगवाल है। वहीं उन्होंने अभियान के सफल होने का श्रेय बचाव दल की तत्परता, तकनीकी मदद, अंदर फंसे श्रमिकों की जीवटता, प्रधानमंत्री की ओर से पल पल की गई निगरानी और बोकनाग देवता की कृपा को दिया। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जे न्यूज। धन्यवाद।